से मोहब्बत है हाँ, बस तुमसे हाँ, तुमसे ही हाँ। आई होप मैं भी ठीक हूँ और मेरी मम्मा ने मुझे मेरी बर्थडे में इन्हें प्राइस दिलाए थे और आपकी खाती हूँ उन्हें प्राइस ट्राई करिए अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं? आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। जैसा कि अनाबिया ने बताया था कि हमें खिलौने से के लिए टॉयज लेकर आई थी, इनकी मम्मा इनको बर्थडे के अंदर इनको गिफ्ट दिया था, ये टॉयज से खेल ली हैं, ठीक है ना। और ये हमारी छोटी वाली अभिया, ये देखें, ये भी अपने चूचू से खेल ली है। गिरी मैं चूचू निकालूंगी, मैं अपने चूचू से खेलूंगी। और ये अनाबिया जो है, अनाबिया फुल इंजॉय कर रही हैं अपने खिलौनों के साथ, खिलौनों से खेल रही हैं। क्या कर रहे हो आप? तो भाई मसला कुछ ऐसा है कि अनाबिया आप लोगों को अपने ट्रॉयड्स दिखाना चाह रही थी, तो ये कह रही थी कि मैं अपने फ्रेंड्स को ट्रॉयड्स दिखाऊंगी, मैं खिलौनों से किस तरीके से खेलती हूँ। और ये अभी इस वक्त अभी जो है अनाबिया अभी खाना बनाने में मसरूफ हुई हुई है, आप देख भी सकते हैं। ये देखें अभी अनाबिया क्या बना रहे हो खाने में आप? चाय बना रही हैं आप। अनाबिया अभी इस वक्त चाय बनाने में मसरूफ़ है और हमारी छोटी वाली अपना स्पून दिखा रही हैं कि हम खाना खाने में मसरूफ़ होंगे इंशाल्लाह। तो अभी ये अनाबिया खाना बनाएगी, उसके बाद अभिया खाएगी। है भैया तो गाइस अभी तो अनाबिया अभी ये कि खेलने में मसरूफ़ ही नहीं है, तो हम जब तक आपसे हम बात कर लेते हैं। और सुनाए आप लोग सब ठीक ठाक हैं? और आपके इल्म में ये भी होगा कि रबी अव्वल का चांद माशाल्लाह दिख चुका है, आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। ईदों की ईद आई है माशाल्लाह माशाल्लाह, तो ये हमारे सरकार का महीना है, तो हम बहुत जोश व खरोश से बनाते हैं और यकीनन हमें उम्मीद है कि आप लोग भी माशाल्लाह बनाते होंगे। तो ये कि अपने घर को भी इंशाल्लाह हम सजाएंगे, अल्लाह ने चाहा वो भी हम आपसे शेयर करेंगे, दिखाएंगे आपको लाइटिंग वगैरह। तो ये कि अब इंशाल्लाह ये कि घर को पूरा डेकोरेट करेंगे, घर भी और अपना बाहर का भी हिस्सा जो है हमारा, वो भी हम इंशाल्लाह डेकोरेट करेंगे और हम आपसे शेयर करेंगे वो भी। तो अभी अनाबिया ये कि खेलनी है। सो गाइस अभी हम आए थे शॉप से, आज हम लेट हो गए काफ़ी शॉप से आने से, अब लग रही है हमें भूख। तो हमने बेगम से पूछा कि आज आपने क्या सरप्राइज़ दिया है हमें। अच्छा बेगम ने हमें पहले ही बता दिया था कि आज हम आपको सरप्राइज़ देंगे, लेकिन ये नहीं पता था कि किस चीज़ का सरप्राइज़ देंगे, खाने का सरप्राइज़ देंगे या किसी और चीज़ का सरप्राइज़ देंगे।
लेकिन उन्होंने माशाल्लाह खाने का मुझे सरप्राइज दिया है, तो खाने में क्या बनाया है वो हम आपसे शेयर करते हैं। खाने में हमारी बेगम ने बनाया है माशाल्लाह बीफ का पुलाव, माशाल्लाह माशाल्लाह, जो हमें बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है बीफ का पुलाव, मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है माशाल्लाह, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी कोई यानी कि घर में यानी कि कोई इवेंट होता है या कोई भी यानी कि कुछ अच्छी डिश मुझे बनवाना पड़ती है तो मैं बीफ पुलाव ही बोलता हूँ, लेकिन आज हमारी बेगम ने बीफ पुलाव बना ही दिया माशाल्लाह माशाल्लाह, ये सरप्राइज़ दिया है हमारी बेगम ने। चलें अब हम खाते हैं खाना, इसके बाद मिलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि माशाल्लाह पुलाव बहुत अच्छा मेरे को पसंद है, माशाल्लाह मेरी वाइफ ने मेरे को एक सरप्राइज़ दिया था पुलाव का, तो ये कि पुलाव माशाल्लाह बहुत अच्छा बना था, बहुत अच्छा बना है माशाल्लाह, मुझे बहुत पसंद है पुलाव, तो इसी पुलाव को लेते हुए आज का ब्लॉग हम करते हैं एंड। तो इंशाल्लाह आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, तो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बड़ी मेहरबानी है आपकी, आप लोग हमारा सपोर्ट करें, हमें आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, आप हमें सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।